गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये हमारा यूटी 2 का जो दिसंबर एग्जाम है उसका सिलेबस है बेटा, तो उसी की मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे भी और आज भी, हम ये रिवीजन ही करेंगे। तो अगर आपकी कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं अभी रिवाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। फिगर के अंदर जो सर्किट है हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए किस तरह से बनते हैं। सर्किट डायग्राम में हम सिंबल यूज करते हैं। अपन यहाँ देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट गिवन है। तो कंपोनेंट के सिंबल भी देखो आपकी स्क्रीन पे भी है। तो हमने सिर्फ कंपोनेंट के जो सिंबल है उसी को यूज करते हैं। जिस तरह से कनेक्टिंग वायर, एक सिंपल सिंगल स्ट्रेट लाइन होगी, स्विच ऑफ पोजिशन, दो डॉटेड लाइन आपस में मीट नहीं कर रही है, बल्ब, बल्ब का सिंबल है, सेल, टू पैरेलल लाइन, एक लॉन्गर एक शॉर्टर, वर्टिकल पैरेलल लाइन, स्विच ऑन पोजिशन में दो डॉट लाइन को आपने ज्वाइन कर देना है, बैटरी, बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वहां पे हमने 1 2 3 4 सेल को कंबाइन कर दिए, 4 सेल को कंबाइन करके बैटरी बन गई है। तो अब जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, कंपोनेंट की पिक्चर है, तो उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक सेल है हमारे पास, तो सेल का सिंबल ड्रॉ करेंगे, फिर है बल्ब, बल्ब का सिंबल, फिर कनेक्टिंग वायर, और क्या गिवन है हमारे पास, ये सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन एज ए स्विच यूज हम करेंगे, ठीक है। इनको यूज करके आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट टू रिप्रेजेंट द सर्किट एज ऑन इन अ फिगर। तो जिस तरह से आपको ये क्वेश्चन वन दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बल्ब, सेल है, वायर है एंड स्विच है, तो इस तरह से रहेंगे। तो इन अ गिवन सर्किट वन टर्मिनल ऑफ बल्ब कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द सेल व्हाइल देयर अदर टर्मिनल आर कनेक्टेड टू, हाउएवर द सेफ्टी पिन इज नॉट कनेक्टेड विद वन ऑफ द ड्रॉइंग पिन, ड्रॉइंग पिन से कनेक्टेड नहीं है, ऐसा स्विच एक ऑफ स्विच की तरह से एक्ट करता है ऑफ पोजीशन पे। तो ऑफ पोजीशन पे जो स्विच होता है हमने तो बल्ब, सेल, स्विच, कनेक्टिंग वायर, इस तरह से वो कनेक्ट कर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे ड्रॉ द सिंबल रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, स्विच है ऑफ पोजीशन पे, बल्ब, सेल, स्विच इन ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो अब देख पा रहे हैं बहुत बार प्रैक्टिस नोटबुक की आपने प्रैक्टिस की होगी इसकी, कनेक्टिंग वायर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, स्विच ऑफ पोजीशन पे, दो डॉटेड लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, देन बल्ब का सिंबल, जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट एम बनाते हैं कुछ उस तरह का सिंबल होगा हमारा, सेल, टू पैरेलल लाइन, स्विच इन पोजीशन, टू डॉटेड लाइन ज्वाइन ईच अदर, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बैटरी, बैटरी में आपके ऊपर डिपेंड है, अगर तो गिवन है थ्री सेल से, टू सेल से, फोर सेल से बनाई है तो आपको उतने ही बनाने होंगे। और अगर आएगा ड्रॉ द सिंबल ऑफ बैटरी, फिर वो आप पे डिपेंड करेगा, बाय यूजिंग टू सेल और थ्री सेल आप जिस तरह से भी बना सकते हैं। तो अभी डायग्राम में आपको फोर सेल यूज करके बैटरी बनाई हुई है, तो जो लॉन्गर लाइन होती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और शॉर्टर लाइन को कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्ब इन द सर्किट डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंज सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, सेल से कनेक्टेड, स्विच भी पोजीशन में है और बल्ब का फिलामेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, फिर भी ये ग्लो नहीं करता, क्यों नहीं करता? ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा क्योंकि जो सेल की अरेंजमेंट है
वो करेक्ट नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नॉट करेक्ट, अरेंजमेंट ऑफ सेल इज नॉट करेक्ट. पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, जबकि हमने क्या करना है, पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, तभी एक परफेक्ट हमारी जो बैटरी है वो बनेगी और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. तो इस सर्किट में क्या है, सेल की जो अरेंजमेंट है इट इज नॉट करेक्ट. द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली. टू मेक द बल्ब ग्लो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एज शोन इन अ फिगर. पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए, पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से. अब सर्किट डायग्राम हमने बनाया है, तो बल्ब कौन सी पोजिशन में दिखाया हुआ है, ग्लोइंग पोजिशन में. इस तरह से बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, वहां से बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के कोई दो इफेक्ट बताइए. टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, में भी आए हैं मेरा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दीज आर द टू इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, कि करंट के फ्लो होने से जब कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, किसी वायर के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करे और उसमें हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब किसी कंडक्टर या वायर के थ्रू करंट पास होता है और उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर पैदा हो जाता है, वो वायर या कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो करंट के उस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. तो दीज आर द टू इफेक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ नेमिंग पूछी गई है, टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north position. Explain. कि जब एक compass needle को हम लेके जाते हैं एक वायर के नजदीक जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, जब स्विच ऑन पोजिशन में है तो करंट फ्लो करता है, तो जो compass needle की जो north south जो पोजिशन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. हमेशा ही कंपास नीडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है, लेकिन जब एक वायर के नजदीक हम लेके जाते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, वो अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है. ऐसा क्यों है? अभी अभी हमने दो तरह के इफेक्ट पढ़े हैं. एक इफेक्ट था जिसमें करंट फ्लो होने से हीट पैदा होती है, और दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, कि जब करंट पैदा होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास होता है. तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह से काम करता है और दूसरा मैग्नेट हमारे पास कंपास नीडल है. जब दो मैग्नेट एक दूसरे के नजदीक आते हैं, या तो वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, इसीलिए कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आती है. क्यों? क्योंकि जो वो वायर है, वो कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास होता है, वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है. किसकी वजह से? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो वायर खुद एक मैग्नेट बन चुकी है, दूसरे मैग्नेट हमारा कंपास नीडल है. जब कंपास नीडल को नजदीक लेके आएंगे तो उसके अंदर क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी. तो व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर द वायर स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट. हेंस व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द गिवन करंट कैरिंग वायर, placed near given current carrying wire, it get influenced by the magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current की वजह से वो influenced होती है, यानी कि deflect हो जाती है अपनी एक जगह से, and get deflected from its north-south position. North-south position से क्या हो जाएगी, वो deflect हो जाएगी. Next question, will the compass needle show deflection? When the switch in the circuit shown by figure is closed,
क्या कोई डिफ्लेक्शन इसके अंदर आएगी अगर हम स्विच को क्या कर दे, ऑन कर दे। तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा बेटा, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कनेक्टिंग वायर है, बल्ब है, कंपास नीडल है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी सोर्स ऑफ करंट नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई सेल है। तो जब तक कोई सेल और बैटरी नहीं होगी, सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। जब वायर मैग्नेट बिहेव ही नहीं करेगी तो क्या कंपास नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन आएगी? नहीं। तो आंसर रहेगा नो। नो में इसका आंसर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल या बैटरी नहीं है इस सर्किट के अंदर। द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स, कोई भी करंट सोर्स उसके पास नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ करंट द वायर डज नॉट बिहेव एज ए मैग्नेट, जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। हेंस द कंपास नीडल विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो इसीलिए कंपास नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। नेक्स्ट है बेटा फिलिप्स, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ द सेल रिप्रेजेंट, ठीक है, तो लॉन्गर लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉजिटिव टर्मिनल। लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड ए डैश, क्या कहेंगे? बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। टू मेक अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल एंड सो ऑन। When current is switched on in the room heater, room heater की बात है, तो room heater में जब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई? Switch on करेंगे, current flow करेगा, तो क्या होता है? Room heater है, electric iron है, ठीक है, हमारी immersion rod है पानी गर्म करने की, immersion rod जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो और पानी गर्म करने के जो geyser हैं, इन सभी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम क्या कोई उसके अंदर कोई किसी चीज को जलाते हैं जो हीट प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल भी नहीं। वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले डिवाइस है, हम तो सिर्फ एक स्विच को ऑन कर देते हैं बस। कुछ देर के बाद रूम हीटर से भी हीट निकलती है, इमर्जन रोड पानी गर्म कर देती है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है जिसको हम प्रेस बोलते हैं उनसे हम प्रेस कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर से हीट निकलती है। वो किसकी वजह से? वो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तो व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूसेस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। द सेफ्टी डिवाइस यूज्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है उसको हम कहते हैं फ्यूज। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट आ जाए किसी सर्किट के थ्रू, तो जो फ्यूज की वायर है वो ब्रेक हो जाती है और जो हमारा सर्किट है वो डैमेज होने से बच जाता है, यानी वहां पे जो अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो इसीलिए हम फ्यूज को कहते हैं एक सेफ्टी डिवाइस, और वो किस इफेक्ट पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी फ्यूज वायर के थ्रू, तो वो फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगा तो फिर सर्किट के थ्रू करंट नहीं जाएगा, और जितने भी हमारे अप्लायंसेज लगे हुए हैं वहां पे जो डिवाइस हमने कनेक्ट कर रखे हैं वो डैमेज होने से बच जाएंगे। तो फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। नेक्स्ट है बेटा, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव टर्मिनल के फर्स्ट को दूसरे के पॉजिटिव से हम कनेक्ट करते हैं तभी एक बैटरी बन पाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड ए सर्टेन लिमिट द फ्यूज मेल्ट एंड ब्रेक, एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जब करंट जाता है फ्यूज के थ्रू तो वो मेल्ट हो जाती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल ट्रू है भाई, इसीलिए तो फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस कहा जाता है। एक सर्टेन लिमिट, एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट अगर आ जाए तो वो मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन,
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्या वो पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगा? स्टेटमेंट में ये कहा गया है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि मैग्नेट चाहे वो किसी भी तरह से है, चाहे वो नेचुरल मैग्नेट है चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आयरन या फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है, बट स्टेटमेंट में कहा गया है कि नहीं करता है, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. यस, इलेक्ट्रिक बेल हैज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिल्कुल होता है इलेक्ट्रिक बेल के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट. डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन, क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो प्लास्टिक के बैग को सेपरेट करने में यूज हम कर सकते हैं एक गार्बेज के ढेर के अंदर से? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो प्लास्टिक है इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है प्लास्टिक, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज नहीं कर सकते प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, प्लास्टिक बैग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप. एक गार्बेज हीप के थ्रू प्लास्टिक बैग को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज नहीं कर सकते. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस, हाउस में जब इलेक्ट्रीशियन आते हैं कुछ रिपेयर करने के लिए, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर, फ्यूज को अ पीस ऑफ वायर से रिप्लेस करना चाहते हैं, वुड यू एग्री? गिव रीजन इन योर रिस्पॉन्स. तो क्या एग्री होंगे आप ऐसा करने में कि फ्यूज की वायर की जगह पे कोई एक ऐसे सिंपल कोई वायर लगा के चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं, तो नो में आंसर आएगा. क्यों? क्योंकि जो फ्यूज वायर होती है वो स्पेशल मटेरियल से बनी हुई होती है, उसका स्पेशल पर्पज है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अगर करंट आए तो वो मेल्ट हो जाए. लेकिन अगर हमने कोई दूसरी वायर यूज कर ली और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पे वो वायर मेल्ट नहीं करती है तो वो फ्यूज वायर की तरह से काम नहीं करेगी और सर्किट के अंदर जो हमारे अप्लायंसेज है वो डैमेज हो जाएंगे. तो इसीलिए फ्यूज वायर की जगह पे ऑर्डिनरी वायर को यूज नहीं कर सकते. द इलेक्ट्रीशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर. दिस इज बिकॉज एवरी वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज, फ्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते. अ फ्यूज फिलामेंट मस्ट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसपे मेल्ट हो जाए वो टेम्परेचर वो कम होना चाहिए, सच दैट इट कुड मेल्ट एंड ब्रेक इन रिस्पॉन्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ताकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आए तो वो मेल्ट हो जाए. मोस्ट ऑफ द वायर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादातर वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए किसी भी ऑर्डिनरी वायर को एज ए फ्यूज हम यूज नहीं कर सकते. जो फ्यूज का पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा. जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सेल होल्डर as shown in figure bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Bulb glow nahi karta. Help Jubeda in identify the possible defect in the circuit. Circuit mein kya defect ho sakta hai? Wo khud aapne usko sochna hai. Ho sakta hai rubber band jo hai loose hai. Ho sakta hai terminal acche se connected na ho. Theek hai? Ho sakta hai unhone cell ya jo battery hai wo acche se properly insert nahi ki hai. तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा कोई भी रीजन आप लिख सकते हैं. तो वन ऑफ द रीजन मे बी दैट द रबर होल्डर बैंड यूज्ड इन द सेल होल्डर मे नॉट बी टाइट इनफ टू कीप द टू सेल इन कॉन्टेक्ट. जो रबर बैंड है वो इतना टाइट नहीं है कि दो सेल को कॉन्टेक्ट में रख सके. इफ द सेल आर नॉट इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन द सर्किट विल नॉट कंप्लीट एंड द करंट विल नॉट फ्लो. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा. द आउटर रीजन मे बी द अदर रीजन
मे बी दैट द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, दो सेल अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, वन सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं है. द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल. In the circuit shown in a figure, next question, would any of the bulb glow when the switch is in the off position? ये जब off position में है, in the circuit shown in a figure 14.25, would any of the bulb glow when the switch is in the off position? अगर switch off position पे है तो क्या इस circuit के अंदर कोई bulb glow करेगा? कोई भी bulb glow नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि switch जो है वो off position पे है, और जब तक हम switch को on position पे नहीं करेंगे तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा. सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अदर ऑर्डर इन विच द बल्ब ए बी सी ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन. जैसे हम स्विच को ऑन पोजीशन पे करते हैं तो बल्ब के ग्लो करने का ऑर्डर क्या होगा? कौन सा बल्ब पहले और लास्ट में ग्लो करेगा? सभी के सभी जो बल्ब है वो एक ही टाइम पे ग्लो करेंगे. द बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली. जो साइमल्टेनियसली वर्ड होता है, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ग्लो करेंगे. व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन देन ऑल द बल्ब ग्लो एट वंस, एक ही टाइम पे. दिस इज बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड द स्विच. एक ही बैटरी और स्विच से वो कनेक्टेड है, इसीलिए एक ही टाइम कोई डाउट से कुछ है तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं. इंद्रपाल सर, हेलो.